का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम देखेंगे कि बाबा अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। 1 जुलाई से जो पवित्र गुफा है बाबा अमरनाथ, उसकी यात्रा शुरू हो गई है। तो पहले दिन 2189 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट से इसके लिए टोकन दिया गया है और 62 दिन तक यह यात्रा इस बार चलने वाली है। 62 दिनों तक कुल यात्रा चलने वाली है। तो सावन के 2 महीनों के चलते इस बार सबसे लंबी यात्रा होगी। यह जो यात्रा है जम्मू के बेस कैंप से 30 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा रवाना किया गया है। तो बालटाल जो बेस कैंप में टेंट लगाए गए हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और इनकी सुरक्षा हो हेतु भगवती बेस कैंप में सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। बालटाल वाला जो छोटा रास्ता है इस बार काफ़ी उसे डेवलप करके बड़ा चौड़ा कर दिया गया है। तो 16 किलोमीटर रूट पर 11 किलोमीटर रोड बन चुका है। 5 किलोमीटर रास्ता अभी भी थोड़ा सा सकरा रास्ता है। तो यात्री सुरक्षा को लेकर 5 लेयर में इसे बांटा गया है। गुफा के पास पहली बार ITPP मोर्चे पे तैनात है। बालटाल कैंप में गर्म कपड़े, रेनकोट, सीम, छाता, ट्रैकिंग के सामान सस्ते दरों पे इस बार आपको उपलब्ध होंगे। बाबा अमरनाथ धाम जो है, जो ये पवित्र गुफा है, समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊंचाई पर है और हर वर्ष प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, नेचुरल रूप से शिवलिंग बनता है। तो पवित्र गुफा की जो लंबाई है 19 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है, ऊंचाई 11 मीटर है। इस गुफा का जिक्र 12वीं सदी के पुस्तक राज तरंगनी में भी होता है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा आतंकी हमले का भी डर होता है। 1990 से लेकर 2017 के दौरान 36 आतंकी हमले हुए हैं जिनमें 53 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। तो 1850 ईस्वी में एक गरेड़िया था, मुस्लिम गरेड़िया था, बूटा मलिक ने इस प्राकृतिक शिवलिंग की खोज की थी। यहाँ पे बादल फटने का भी डर होता है, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा होता है। तो एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर घटता या बढ़ता है। यहाँ पर जो शिव पार्वती की अमर कथा सुन चुके कबूतर का जोड़ा भी कई बार नजर आता है। इस रास्ते पे जंक फूड, फ्राइड फूड, तंबाकू की बिक्री नहीं होगी और यात्रियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा और यह फ्री मिलेगा। श्रीनगर से 98 किलोमीटर दूर बालटाल जो कैंप है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यह गांदरबल जिले के लिद्दर वैली स्थित है, लिद्दर घाटी में यह स्थित है गांदरबल जिले के। यहाँ जाने के 2 रूट है। पहला रास्ता पहलगाम होके जाता है जो 48 किलोमीटर है और 5 दिन का समय लगता है। दूसरा रास्ता बालटाल वाला है जो 16 किलोमीटर है और 2 दिन का समय लगता है। देखिए, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो शिवलिंग जो है स्टेलेगमाइट संरचना है, जैसे छत से जो ऊपरी छत्र है तो वहाँ से जो पानी की बूंदें टपकती हैं नीचे, उसी से बर्फ का वो शिवलिंग की संरचना बनती है। पूरा का पूरा ये जो इलाका है ग्लेशियरों से भरा पड़ा है और इस वजह से तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से शिवलिंग का आकार घटता या बढ़ता रहता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।